अब मैं चाइना गेट घूमते हैं, चाइना गेट से सीधा। आपको बताना चाहता हूँ यहाँ तक आने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। वेलकम टू बैक अपने यूट्यूब चैनल बड़े दामचला में। तो मैं भोपाल की मोस्ट फेमस पीपल्स मॉल में आ चुका हूँ मैं। तो ये चलता फिरता शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 7 अजूबे देखने को मिल जाएंगे, 7 से 8 अजूबे, 8 अजूबे मतलब 8वां मैं ही हूँ। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थिएटर और क्या बोलते हैं वाटर पार्क। तो अंदर चल के दिखाते हैं, 6 बज रहे हैं, तो टिकट लेके अंदर चलते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये सामने पार्किंग है, गाड़ी पार्क कार पार्क अंदर ले जाके पार्क कर सकते हैं। बहुत शानदार दिख रहा है यार, बहुत शानदार बेहतरीन। ये तो लंदन सिटी बना दिया है यहाँ पे, मतलब जगमगाता हुआ लंदन सिटी एकदम लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने वगैरह हैं और फोटोशूट काफ़ी सेल्फी वगैरह ले सकते हो यहाँ पे आप। यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ तक आने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। इसके अंदर जब जाएंगे तब आपको टिकट कटानी पड़ेगी, यहाँ तक कोई चार्जेस नहीं है। वाटर पार्क भी है जो 350 रुपये लगेंगे वाटर पार्क जाना है। अभी तो टाइम नहीं है वाटर पार्क जाने का, क्योंकि आपको इसे सुबह आना पड़ेगा या दोपहर को, या बरसात का सीज़न है तो वाटर पार्क तो इससे भी कहीं भी वाटर पार्क हो जाता है। पानी जो 24 घंटे गिर रहा है इंदौर में, मतलब सॉरी भोपाल में। तो 60 रुपये का टिकट है। अब मेरे सामने ताजमहल, काफ़ी बड़े प्लेस में बनाया गया ताजमहल, बेहतरीन एकदम ताज जैसे ही दिख रहा है, जैसे कि आगरे में ही आ गया हूँ मैं। तो 7 अजूबे यहाँ पे दिखने वाले हैं, जिससे इसमें से एक ताजमहल जो पहला एंट्री किया हूँ मैं, एकदम ताज जैसे ही दिख रहा है, जैसे मैं आगरा में ही हूँ। इधर चाइना गेट है साइड में। इसका मैं टाइम लैप्स ले रहा था, अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और सेम एकदम ताज जैसे ही, जैसे मैं पहले ही बताया एकदम सेम लग रहा है। सेम पत्थर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन संगमरमर के मिट्टी के पत्थर है वो ही यूज किया गया है यहाँ पे। देख रहे हो पत्थर, पूरा स्ट्रक्चर पूरा कॉपी किया गया ताज का, पूरा जितना गुम्बद ऊपर देखेंगे या 4 पिलर जितने हैं ताज के वो देखेंगे, सब बिल्कुल कॉपी किया गया है। तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ और अंदर से दिखाता हूँ कैसा है। महल के ऊपर है, पहली बार मैं ताजमहल घूम रहा हूँ, असली ना सही नकली ही, लेकिन सेम फीलिंग आ रही है। तो कभी आगरा जाना हुआ तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन आज यही सही हमारे लिए, खुशी की बात यही है। और सामने बहुत सारी एक्टिविटी चीज़ें हैं, ये देखो यहाँ पे ये होटल दिख रहा है, मुंबई के ताज होटल दिख रहा है आप, ये चाइना गेट दिख रहा है, ये चाइना पेरिस का टावर दिख रहा है। यहाँ पे रेलिंग बनाई गई, कोई अंदर जाके टच ना करे ये। ताज घूमने के बाद मैं निकल पाऊँ चाइना गेट, अब मैं चाइना गेट घूमते हैं, चाइना गेट से इधर ताज होटल चलते हैं मुंबई के अंदर ही अंदर से। और बहुत सारी चीज़ें दिखाने का भी, अंदर ही इतनी सारी चीज़ें थी, और जो मैं पहले बाहर आया हूँ कि पहले बाहर ही दिखा दूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे लाइटिंग कम हुई तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए कि शाम होने ही वाली है। तो भाई साहब ये है चाइना गेट, और चाइना गेट के बीच से मैं निकल रहा हूँ, चाइना बना हुआ या गेट के अंदर जाने का है अंदर। और यहीं से साइड से वाटर पार्क भी है, यहीं से रास्ता है, उसकी फीस मैं बता चुका हूँ 350 रुपये है शायद फीस। इधर भी खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, ये साइड स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के, फास्ट फूड है और बहुत सारी चीज़ें। ये चाइना गेट ये है, ये सामने सब दिखेगा चाइना गेट ये पूरा। और बेहतरीन रोडें बनी है यहाँ पे, सीमेंट की रोडें बनी है, और अगर पानी भी गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ रुकने का बचने का बहुत जगह है, चाइना गेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप छिप सकते हैं। ये बाहर क्या है,
मतलब यहाँ पे आएंगे तो ऐसा फील आएगा कि नकली नहीं है, थोड़ी बहुत असली है, क्योंकि छोटा छोटे चीज़ें नहीं बनाई गई हैं कि चलो ख़त्म करते हैं छोटा बना के, बिल्कुल प्रॉपर बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पे। काफ़ी दूर से देखिए वहाँ से आधा किलोमीटर होगा, ये आधा किलोमीटर 500 मीटर होगा यहाँ से पूरे यहाँ तक पूरा चाइना गेट बना हुआ है। ये पूरा एरिया चाइना गेट का, ये अंदर प्रवेश करेंगे, एंट्री बंद हो चुकी है। ये वाटर पार्क का है, पीपल्स वाटर पार्क लिखा हुआ है, यहाँ से टिकट लेंगे और टिकट तो पहले ही कट जाएगी वहीं से अंदर से, और साथ में यहाँ घूमने का या कि अंदर जाएंगे उसके अलग से टिकट कटेगी और आप पार्क के अंदर जा सकते हैं वाटर पार्क, तो वहाँ इंजॉय कर सकते हैं वहाँ पर। और ये सामने हमें ताज होटल दिख रहा है, इसका भी नमूना बेहतरीन बनाया गया है। जस्ट ताज होटल नीचे खड़ा हूँ मैं, और मेन बात यह है कि इसके अंदर भी जाके घूम सकते हो, मतलब बेहतरीन। तो अभी भाई साहब मैं होटल के अंदर था, तो नज़ारे ऐसे थे कि सेम ताज जैसा ही, मतलब कुछ बनाया गया है जैसे मैंने फिल्मों में देखा है, सेम ऐसे भी अंदर कॉपी किया गया है। और सामने वर्ल्ड पृथ्वी मतलब रखा गया है सामने बीच में, यहाँ पे घोड़ सवारी कर सकते हैं, घोड़ सवारी के साथ साथ आप कैमल सवारी भी कर सकते हैं। तो अपन घोड़ सवारी तो कर चुके हैं और कैमल सवारी भी करेंगे, यहाँ पर एक्टिविटी कर सकते हैं, गेम वगैरह खेल सकते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी बुक करके यहाँ पर घूम सकते हैं। कुछ कॉस्ट है अभी मैं पता करूंगा फिर जाके यहाँ पे, और वो चीज़ है यार ये पार्क के गमले लगे हुए हैं और झूले लाइन से झूले लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे खासियत ये है कि टिकट कटा के पूरा दिन आप यहाँ पे व्यतीत कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं पिकनिक जैसा, क्योंकि यहाँ पार्क बना हुआ है, झूले इतने सारे बने हुए हैं, अब झूम सकते एक्टिविटी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पूरे झूले लाइन से और उधर पूरे वहाँ तक हैं, पूरे ताज बोले तो ताजमहल तक है। अब मैं जा रहा हूँ सामने एफिल टावर, मैं टावर के नीचे खड़ा हुआ हूँ, ये ट्विंस एलफिल टावर है जिसके नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ। ये सामने पार्क है और साइड साइड झूले लगे हैं, ये साइड रास्ता जाने का, ये साइड अंदर पार्क में आ सकते हैं, पार्क में भी झूले हैं बैठने के लिए है। और बारिश की बूंदें बंद नहीं हो रही, बारिश होना बंद नहीं हो रहा, भोपाल की जो बारिश है जब स्टार्ट होती है ना तो बंद ही नहीं होती। ये तोप है जो असली जैसा लग रहा है, ये तोप वगैरह है ये भाई साहब, ये तोप ओहो। तो इधर तोपे रखे हुए हैं जो एकदम बोला ना असली लग रहा है। ये मैं बात कर रहा था इन तोपों की, उसे छूना मना है, तो आप दूर से देख सकते हो और साइड में खड़े होकर फ़ोटो भी खिंचा के जा सकते हो और ऐसे करके छू भी सकते हो। ये देखो ये भी लोहा है, पूरा लोहा, बहुत वजनी लोहा है। ये पार्क के बारे में बता चुका हूँ, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है यहाँ पे आने के लिए, तो आप यहाँ आ सकते हैं घूम सकते हैं क्योंकि यहाँ अवेलेबल है। ये करौंद रोड है, यहाँ पे आप पीपल्स मॉल के लिए कहीं से भी बस मिल जाएगी आपको। अगर आप एम्स तरफ से आ रहे हैं सकेत नगर अयोध्या बाईपास से, तो 306 आती है जो एम्स सकेत नगर से यहाँ लाल घाटी जाती है, करौंद जाती है, उससे आप आ सकते हैं। अगर लाल घाटी से आते हैं तो लाल घाटी से बहुत सारी बसें हैं, और पर्सनली अपनी बाइक से आ सकते हैं, कार बुक करके से आ सकते हैं, जैसे आना वैसे आ सकते हैं, बहुत सुविधाएँ हैं यहाँ पर आने के लिए। अब ये किस देश का है, किस शहर का है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये देखो बहुत सारे पिलर बने हुए इसके बाहर, ये सामने ऐसा कुछ बना हुआ है, मतलब देखा देखा लग रहा है, पर ऐसे कुछ लिखा नहीं यहाँ पे कि क्या है कहाँ का है, वो समझ में नहीं आ रहा। ये देख रहे हैं बहुत प्यारी घास, घास बड़ी बड़ी हो गई है आई थिंक पानी गिरने से, और कटिंग नहीं की गई घास को, ऐसे ही रखा गया है जैसा है। और ये बहुत प्यारा, ये चारों तरफ कुछ तो है, किसी दूसरे कंट्री का ही है, अपने देश का तो नहीं है ये। Thank you.
टिकट देना है। जो इलेक्ट्रिक बाइक थी वो जो 4 पहिए की होती है उसके लिए मैं 100 रुपये दिया और 2 राउंड उन्होंने बड़ा सा ग्राउंड थे साइड पे देखा होगा तो वहाँ पे मैं 2 राउंड लगाया वहाँ पे। पर बहुत मुश्किल है यार, हाथ पैर दर्द करने लगते हैं। पर 4 पहिए ना तो समझ में नहीं आता कि मुड़ता है कि नहीं मुड़ता, ऐसा लगे जो ठुक ना जाए सामने जाके, मुश्किल है। और अगर 2 आदमी बैठ के चलाना आगे पीछे तो उसके लिए 150 रुपये है, उसके लिए उसके साइड वाली बाइक है हाँ तो उसमें आप जा सकते हैं। और कैमल का बता चुका हूँ 100 रुपये, घोड़े का बता चुका हूँ 50 रुपये, एक जो सभी के साथ घूम सकते हैं उसका भी 50 रुपये है। बनी हुई है, हाथ मसाल लिए खड़ी हुई है, उसके नीचे ही खड़ा हुआ हूँ मैं। ये पूरा स्विमिंग पूल है और राउंड राउंड आप घूम सकते हैं, पूरा राउंड राउंड यहाँ पूरा इतने से ये पार्क जैसा बनाया गया है ये पूरा। तो एग्जिट पॉइंट्स में बाहर आ गया, एग्जिट जो डोर था ये सीधे टेस्ट ऑफ गुजरात जो रेस्टोरेंट वहाँ पे निकाल दिया ये पूरा। तो आप आते हैं तो आइए यहाँ का टेस्ट ऑफ गुजरात का चख सकते हैं जो आपको खाना हो। यहाँ पे मसाज करा सकते हैं 100 रुपये इसकी भी है 100। और ये पार्किंग एग्जिट है, आप पार्किंग कार और से जाना चाहते हैं इधर से जा सकते हैं नीचे, ये पार्किंग नीचे जाने का रास्ता है। इधर गेम वगैरह खेलने का है पूरा गेम जोन है। राउंड राउंड घूम रहा है, वहाँ से पानी ऐसे आ रहा है सीधे नीचे यहाँ पे टप पे। तो मैं ब्लॉग यहीं से ख़त्म करता हूँ और बाहर जा रहा हूँ मैं, अब रूम की ओर जाऊँगा घर अपने। तो आपको अच्छा लगा वो देखकर, मुझे भी यहाँ घूम कर अच्छा लगा और आने का मन कर रहा होगा।